पैंडेमिक आ गया था तो कोई एक टूर्नामेंट बड़ा नहीं हुआ था, तो अब टूर्नामेंट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है प्लेयर्स के लिए, उनको एक एक्स्ट्रा चार्ज मिलता है और बहुत अच्छा बाहर दिखाने को मिलता है कि हम भी बहुत आगे जा सकते हैं इस स्पोर्ट्स में, खास करके हॉकी में। हॉकी बहुत पीछे जा रही है क्योंकि हमारी जो टीमें थी, J&K बैंक है, पीक्स में है, बट हॉकी की कोई टीम नहीं है, फुटबॉल की है, क्रिकेट की है, SRTC में भी बहुत टीमें हैं, बट पहले भी थी हॉकी की SRTC में टीम, अब वहाँ पे नहीं है। तो हॉकी आस्ते आस्ते ख़त्म होती जा रही है हमारे कश्मीर में से। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे कि हर एक अलग स्टेट्स में, मतलब SRTC की है, अलग बैंक्स में है, J&K बैंक है, उनमें जैसे टीमें हैं फुटबॉल की, तो हॉकी की भी होनी चाहिए, यूथ को ऐसे बहुत आगे जाने का मौका मिलता है। We need to create more and more such tournaments, no doubt. But due to COVID, we already know what the entire globe was going through. So, थोड़ा बहुत इसमें तो ब्रेक लग गया. ओलंपिक्स भी इनफैक्ट हम लोगों को 2020 से 2021 में प्ले करवाना पड़ा, जून में, जून जुलाई में ले जाना पड़ा. अदरवाइज हमारी प्रिपरेशंस एशिया हॉकी फेडरेशन और इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमिटी की तो बहुत पहले से थी, हम 2020 में कर रहे थे. बट अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली फाइनली हो गया एंड वी वन ब्रॉन्ज इन दैट. वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग ने कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट्स करने की, कम नहीं होना चाहिए पेस में. और लेकिन उसके लिए हम चाहते हैं कि लोग भी थोड़े कोऑपरेटिव रहे एंड मोर यूथ एंड चिल्ड्रन शुड कम एंड पार्टिसिपेट इन प्लेइंग हॉकी.